हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम आपको करा रहे हैं कम्बी नोटोरिक्स। इसमें जो सबसे पहला भाग है वो है परम्यूटेशन एंड कम्बिनेशन। यहाँ हम परम्यूटेशन और कम्बिनेशन का फुल बेसिक कंसेप्ट देंगे। यहाँ पर जितनी भी इसमें कंसेप्ट हैं, डाउट हैं, वो सब हम आपको क्लियर करेंगे। इस वीडियो को देखने के बाद, आज के बाद आपको कभी भी क्रमचय एवं संचय, परम्यूटेशन एंड कम्बिनेशन में कोई भी डाउट नहीं रहेगा। इस चैप्टर को करने के लिए देखिए, बेसिक कंसेप्ट का पक्का होना बहुत ज़रूरी है। तो इस बेसिक कंसेप्ट अगर आपका अच्छा होगा इसका, तभी आप प्रोबेबिलिटी को भी अच्छे से समझ पाएंगे। तो यहाँ पर हम चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। आगे बढ़ने से पहले हम आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो ये जो रेड रंग का बटन है, इसे दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और बराबर में एक बेल का आइकन भी है, इसको भी दबा दीजिए, ताकि नई वीडियो की जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले आपको मिल सके। वीडियो के अंत में अगर आपको हमारे द्वारा बनाए गए वीडियो पसंद आए, तो चैनल को लाइक और अपने फ्रेंड को जो TGT PGT की तैयारी कर रहे हैं, उन तक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। देखिए, सबसे पहला टॉपिक है फैक्टोरियल नोटेशन, यानी कि आपको मालूम होना चाहिए फैक्टोरियल नोटेशन क्या है। तो इसे करने से पहले हम आपको एक इन्फॉर्मेशन दे दें कि इसके बाद जो है हम जो है प्रोबेबिलिटी वाला चैप्टर कराएंगे, और प्रोबेबिलिटी वाला चैप्टर करने के लिए आपको जो है बाइनोमियल थ्योरम, यानी कि द्विपद प्रमेय और परम्यूटेशन कम्बिनेशन क्रमचय एवं संचय बहुत अच्छे से आना चाहिए। तो आपकी जो प्रायिकता है वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, उसमें कोई भी डाउट आपको नहीं रहेगा। इससे पहले हम जो है, ये 13वां चैप्टर है, लेसन 13 है, इससे पहले हम 12 लेसन TGT के डाल चुके हैं। अगर आपको वो देखने हैं तो आप कॉर्नर का आई बटन दबाकर या वीडियो के अंत में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से सभी वीडियो आप देख सकते हैं। यहाँ लगभग हमने जो है 70% कोर्स कवर कर दिया है, 30% कोर्स और TGT का बचा है। तो आप इसको कर वीडियो को देख लें, और जो पीछे की वीडियो अगर वो देखना चाहते हैं तो वीडियो के अंत में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, या कॉर्नर का यहाँ पे आई बटन होता है, इसे दबाकर आप उन वीडियो का लिंक दे सकते हैं, या चैनल पे जाके प्लेलिस्ट में सर्च कर सकते हैं NBS TGT मैथ्स, तो वहाँ से आपको मिल जाएगा। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। सबसे पहला टॉपिक है फैक्टोरियल नोटेशन। आप देखिए, फैक्टोरियल नोटेशन क्या होता है, पहले इसको आप समझेंगे। इसको हिंदी में बोलते हैं क्रमगुणित। क्या बोलते हैं इसको हिंदी में? क्रमगुणित। तो क्रमगुणित देखिए, नाम से भी क्लियर है, इसको हिंदी में बोलते हैं क्रमगुणित, यानी कि क्रम से की गई गुणा। ठीक है, अब क्रम से की गई गुणा क्या का मतलब है? जो धन पूर्णांक होते हैं, नेचुरल होते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, इनकी क्रम से गुणा को हम क्रमगुणित या फैक्टोरियल नोटेशन कहते हैं। फैक्टोरियल को हम, जैसे मान लीजिए 5 है, तो 5 को फैक्टोरियल से या तो ऐसे या इस तरह से डिनोट करते हैं। ठीक है, दोनों में से कोई से भी सिंबल का आप यूज कर सकते हैं, दोनों ही फैक्टोरियल के लिए यूज होते हैं। तो इसका मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए 5 फैक्टोरियल है, तो इसका मतलब क्रमगुणित, यानी कि क्रम से गुणा में लिखे हुए, कहाँ तक? 5 तक, यानी 5 फैक्टोरियल होगा 5, 4, 3, 2, 1, यानी प्राकृतिक संख्याओं का 5 तक गुणन। तो क्रमगुणित का मतलब क्या हुआ, अगर फैक्टोरियल 5 है तो प्राकृतिक संख्याओं का 5 तक गुणन, अब वो भी क्रम से, 5, 4, 3, 2, 1, या इसको हम यूँ भी लिख सकते हैं 1, 2, 3, 4 और 5, आप इनमें से कोई सा भी इसको लिख सकते हैं। ऐसे ही मान लीजिए आपको 7 फैक्टोरियल लिखना है, और आपको बीच में इसको छोड़ भी सकते हैं, जैसे 7 है, 6 है, इसके बाद आएगा 5 और 4, और आपको आगे नहीं लिखना तो आप फैक्टोरियल में यहाँ पे रोक सकते हैं, फैक्टोरियल यहाँ पे 3, यहाँ आके इतना आप रोक भी सकते हैं। ठीक है, तो अब देखिए, यहाँ पे एक फैक्टोरियल है, ये एक गामा का साइन होता है, ये गामा, इनमें क्या अंतर है ये भी आप जान लीजिए। जैसे मान लीजिए ये गामा 4 है, तो गामा क्या होता है, एक कम करके खुलता है, यानी कि 3, 2, 1। देखिए, प्राकृतिक ये जो है ये केवल नेचुरल नंबर को ही फॉलो करता है, लेकिन गामा फंक्शन में जो है कोई रेशनल नंबर भी हो सकता है। ठीक है, रेशनल नंबर हो सकता है या इंटीजर होगा, ठीक है, लेकिन नेगेटिव उसमें भी नहीं होगा। यहाँ पर जो है पॉजिटिव रेशनल नंबर हो सकता है, या यहाँ पर धनपूर्णांक यानी नेचुरल नंबर हो सकता है। जैसे गामा 7/2 है, तो एक कम करके खोलेंगे तो क्या आएगा, 5/2, 3/2, 1/2, और फिर गामा लास्ट में ही और बचता है, गामा हाफ, तो अगर हाफ बचता है तो इसकी जगह हम जो है पाई की अंडर रूट पाई लगा देते हैं। ठीक है, तो ये तो है गामा का नोटेशन। अब हम यहाँ पर जो पढ़ रहे हैं मेनली
फैक्टोरियल प्रलय। तो इसमें देखिए और बताते हैं कुछ, तो यहाँ पे देखिए कुछ मैंने नंबर्स फैक्टोरियल की वैल्यू लिखी है, ये आपको लर्न होनी चाहिए। जीरो फैक्टोरियल की वैल्यू वन, वन फैक्टोरियल की वैल्यू वन है, फैक्टोरियल टू की वैल्यू टू, फैक्टोरियल थ्री की वैल्यू क्या है सिक्स है, और फैक्टोरियल फोर की वैल्यू कितनी चौबीस, फैक्टोरियल फाइव की वैल्यू 120। आप कम से कम सात तक जो है इसको लर्न कर लीजिए, ये अगर आप इनको लर्न कर दें तो आगे काम आएंगे। और फैक्टोरियल एन है तो उसको हम एक कम करके इस तरह लिखेंगे, एन एन माइनस वन एन माइनस टू। स्टार्ट तो वहीं से होगा जहां फैक्टोरियल लगा हुआ, लेकिन जब लास्ट करेंगे वो वन पे करेंगे, यानी लास्ट में यही लिखेंगे फोर थ्री टू वन, चाहे स्टार्ट कहीं से भी हो। तो चलिए अब हम आपको बताते हैं नेक्स्ट, चलिए अब हम आपको बताते हैं फंडामेंटल लॉ ऑफ प्रिंसिपल। तो ये फंडामेंटल लॉ ऑफ प्रिंसिपल क्या होता है इसके बारे में हम आपको पूरा बताते हैं। देखिए फंडामेंटल लॉ ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन एंड एडिशन, ये बड़ा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, प्रोबेबिलिटी में भी ये काम आएगा। तो मान लीजिए देखिए दो जॉब हैं, एक तो है जॉब वन और दूसरा है जॉब टू, ठीक है, ज़रा इसको ध्यान समझना। जॉब वन और जॉब टू, जॉब वन जो है करने के जो तरीके हैं मान लीजिए वो एम तरह से किया जा सकता है जॉब, और जो जॉब टू है वो एन डिफरेंट वेज तरीके से किया जा सकता है, ये एम तरीके से किया जा सकता है, और याला जो जॉब है वो एन तरीके से किया जा सकता है। तब ये टोटल जॉब जो है यानी कि कुल जो जॉब है उससे करने के जो तरीके होंगे वो एम क्रॉस एन होंगे। तो इसी को हम कहते हैं फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन। एक जॉब एम वन है, दूसरा जॉब क्या है एम टू है, जॉब फर्स्ट को करने के जो कुल तरीके हैं यानी कि पहला जॉब जो है वो एम तरीके से कंप्लीट किया जा सकता है, और जो दूसरा जॉब है वो एन तरीके से यानी एन प्रकार से जो कंप्लीट किया जा सकता है। तो जो कंप्लीट जॉब होगा यानी कि जॉब वन और जॉब टू, तो इसमें जो वर्ड आता है ये हमारे मुख से निकलता है और, ठीक है, ये और वर्ड निकलेगा ऑटोमेटिक। जॉब वन और जॉब टू कंप्लीट करने के जो तरीके होंगे वो एम क्रॉस एन होंगे। जैसे कि मैं एक एग्जांपल बता देता हूँ, मान लीजिए दिल्ली से मुंबई के बीच में, दिल्ली से मुंबई के बीच में जो है चार ट्रेनें चलती हैं, कितनी ट्रेनें चार। कोई व्यक्ति दिल्ली से मुंबई जाना चाहता है तो वो जिस ट्रेन से गया था उससे वापस नहीं आना है, तो उसके जाने के जो प्रकार होंगे वो तो चार हो जाएंगे, लेकिन वो जिस ट्रेन से गया था उससे वापस नहीं आता, तो आने के जो तरीके हैं वो तीन हो जाएंगे, यानी कि जा तो वो चार प्रकार से सकता है और आ तीन प्रकार से सकता है, तो कुल जो तरीके हो जाएंगे फोर मल्टीप्लाई थ्री यानी कि बारह। तो ये कहलाता है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन यानी गुणा का सिद्धांत, गुणा का मूलभूत सिद्धांत, इसे फंडामेंटल लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन यानी गुणा का मूलभूत सिद्धांत भी कहते हैं हिंदी में, और इंग्लिश में बोलेंगे इसको फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। अब इसी में और की जगह अगर हमारा वर्ड निकलता है क्या, या, क्या वर्ड निकलता है या, ठीक है। अब या वर्ड जैसे एक जॉब एम, जॉब फर्स्ट जो वो एम तरीके से किया जा सकता है, जॉब टू जो वो एन तरीके से किया जा सकता है, तो इनमें से कोई एक जॉब कितने प्रकार से किया जा सकता है, ठीक है। तो एक प्रकार से करने का दोनों में से कोई एक, जब भी या होगा तो इनको प्लस करेंगे यानी कि एम प्लस एन तरीके से ये जॉब किया जा सकता है। इसका एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूँ, जैसे मान लीजिए कोई क्लास है, ठीक है, और क्लास में मान लीजिए एट जो है बॉयज़ हैं और जो है मान लीजिए टेन गर्ल्स हैं, ठीक है। अब हमें करना क्या है, एट बॉयज़ हैं टेन गर्ल्स हैं और इस क्लास का प्रेजेंटेशन देना है, ठीक है, क्लास का क्या कर देना, प्रेजेंटेशन देना है। तो कोई भी प्रेजेंटेशन दे सकता है, या तो आठ बॉयज़ में से कोई दे सकता है, आठ बॉयज़ में से कोई भी दे सकता है, या क्या होता है देखिए, तो परम्यूटेशन को हिंदी में बोलते हैं क्रमचय और कम्बिनेशन को हिंदी में बोलते हैं संचय। क्रमचय का मतलब होता है अरेंजमेंट और संचय का मतलब होता है सलेक्शन। देखिए इसका जो हिंदी वर्ड है क्रमचय, इसके नाम से भी बिल्कुल क्लियर है, यानी क्रमयुक्त चयन जो होता है, क्रमयुक्त चयन जो होता है वो क्रमचय कहलाता है, और क्रम का ध्यान न रखते हुए जो ग्रुप बनता है, समूह बनता है, उसे हम संचय कहते हैं। चलिए अब हम देखिए इसकी डेफिनेशन पर आपको चर्चा करते हैं। तो दी गई वस्तुओं में से कुछ अथवा सभी वस्तुओं का चयन करते समय अगर हम उसके क्रम पे ध्यान दें, ठीक है, तो दी गई वस्तुओं में से कुछ अथवा सभी वस्तुओं का चयन करते समय अगर हम उनके क्रम पे ध्यान दें तो बनने वाले समस्त क्रम कहलाएंगे क्रमचय, या बनने वाले समस्त अरेंजमेंट, समस्त अरेंज जो कहलाएंगे परम्यूटेशन, अदरवाइज वो कहलाएंगे कॉम्बिनेशन। अब देखिए दोबारा संचय के डेफिनेशन दीजिए, दी गई वस्तुओं में से कुछ अथवा सभी वस्तुओं का चयन करते समय अगर हम उनके क्रम पे ध्यान ना दें तो बनने वाले समूह
क्या समूह या ग्रुप, समूह या ग्रुप को हम क्या कहते हैं, संचय। तो दी गई वस्तुओं में से कुछ अथवा सभी वस्तुओं का चयन करते समय अगर हम उनके क्रम पर ध्यान ना दें तो बनने वाले समस्त ग्रुप यानी सिलेक्शन कमेटी को हम क्या कहते हैं, संचय कहते हैं। अब देखो इसको एक एग्जांपल के माध्यम से आप बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। मान लीजिए हमारे पास तीन पुस्तकें, कौन सी, एक फिजिक्स की है, एक केमिस्ट्री की है और एक मैथ की है, ठीक है। अब हमें इसमें से दो पुस्तक का चयन करना, यानी दो बुक्स का चयन करना, तो दो बुक का जो चयन है हम इस प्रकार से कर सकते हैं। देखिए अगर हम उसको क्रम में ध्यान रखें तो यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री या फिजिक्स मैथ ऐसे कर सकते हैं, दूसरा केमिस्ट्री फिजिक्स या केमिस्ट्री मैथ, तीसरा हम कर सकते हैं मैथ फिजिक्स या मैथ केमिस्ट्री, ठीक है। यानी कि हमने देखिए यहाँ पर एक तो फिजिक्स केमिस्ट्री है और एक केमिस्ट्री फिजिक्स है, तो इनको क्रम में ध्यान दिया हमने, तो क्रम पे ध्यान रखते हुए इनका चयन किया, यानी फिजिक्स केमिस्ट्री केमिस्ट्री फिजिक्स को हमने अलग अलग माना। इस तरह से फिजिक्स मैथ है और ये मैथ फिजिक्स है। देखिए ये भी फिजिक्स मैथ की तीन किताबें हैं, आप तीन किताबों में से आप दो किताबें निकालने जा रहे हैं, तो वैसे नॉर्मली अगर हम क्रम पे ध्यान ना दें तो फिजिक्स मैथ बात एक ही है, लेकिन अगर हम उनके क्रम पे ध्यान दें तो फिजिक्स मैथ अलग हो जाएगा और मैथ फिजिक्स अलग हो जाएगा। इसी तरह से केमिस्ट्री मैथ और मैथ फिजिक्स ये अलग अलग हो गया। तो हम अगर क्रम पे ध्यान दे रहे हैं तो यहाँ पे जो तरीके हो रहे हैं वो कितने हो रहे हैं, छः तरीके हो रहे हैं। अगर हम क्रम पे ध्यान ना दें तो फिजिक्स केमिस्ट्री या केमिस्ट्री फिजिक्स यानी कि एक ही तरीका माना जाएगा, बस ये पीजी, ठीक है। अगर हम इनके ऐसी तरह फिजिक्स मैथ तो फिजिक्स मैथ बस ये माना जाएगा, यानी पी एम और एम पी उनके क्रम पे अगर हम ध्यान ना दें तो ये जो समूह बनेगा ये क्या बनेंगे, समूह बनेंगे। इस तरह से फिजिक्स मैथ और केमिस्ट्री, तो ये कितने समूह बने, समूह बने तीन। तो तीन समूह बने या ग्रुप कह सकते हैं या कमेटी कह सकते हैं इनको, लेकिन जो क्रम बने वो कितने बने, छः। तो एक बात और बता दें, जो संचय होता है वो हमेशा कम होता है और क्रमचय हमेशा ज़्यादा होता है। तो क्रमचय को अंग्रेजी में जो प्रमोटेशन बोलते हैं इसके फर्स्ट वर्ड से डिनोट करते हैं, और जितनी वस्तुएं होती हैं उनको लिखते हैं ऊपर और जितनी उसमें से चयन करते हैं उनको लिखते हैं नीचे, यानी उसे आर से लिखते हैं। और जो संचय होता है उसको हम सी से डिनोट करते हैं, जो कॉम्बिनेशन का फर्स्ट वर्ड है उससे डिनोट करते हैं, जो टोटल वस्तुएं हैं ऊपर और जो जितनी वस्तुओं का चयन करते हैं उनको हम नीचे लिखते हैं, ठीक है। और इसका जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल। जबकि यहीं पे अगर हम संचय की बात करें तो संचय का जो फॉर्मूला है वो होता है n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इनटू n माइनस r फैक्टोरियल, ठीक है। अब देखिए इसी को अगर हम इस फॉर्मूले से निकालें तो भी देखिए आंसर यही आएगा। कितनी किताबें हैं यहाँ पर, तीन किताबें हैं, ठीक है। उनमें से कितने का चयन कर रहे हैं, हम दो का कर रहे हैं। तो अब ये फॉर्मूला अप्लाई करिए, देखिए ऊपर वाले का फैक्टोरियल और इनके अंतर का फैक्टोरियल, इस तरह याद करेंगे इसके ऊपर वाले का फैक्टोरियल और इनके अंतर का फैक्टोरियल। सॉल्व कर लेते हैं, थ्री फैक्टोरियल अभी हमने बताया था, थ्री इंटू टू इंटू वन, नीचे वन फैक्टोरियल बचेगा, वन फैक्टोरियल, देखिए आंसर कितना आ रहा, छः। तो हम अगर जनरल तरीके से करते हैं वैसे ही बिना फॉर्मूले के तो भी आंसर छः आ रहा और अब भी छः आ रहा। इसी प्रकार से देखिए अगर हम इसको फॉर्मूले से सॉल्व करें तो इसको फॉर्मूले से सोल्व करेंगे, यहाँ पे आर है, फॉर्मूले सोल्व करेंगे तो देखिए कितने तीन है, और तीन में से कितने का ग्रुप बनाना, समूह बनाना, दो का बनाना। तो फॉर्मूला लगाएंगे, देखिए थ्री फैक्टोरियल और नीचे वाले नंबर का फैक्टोरियल और इनके अंतर का फैक्टोरियल, यानी थ्री माइनस टू फैक्टोरियल। इसे सोल्व करेंगे, थ्री फैक्टोरियल सिक्स होता, अभी हमने बताया था, टू फैक्टोरियल टू हो गया और थ्री माइनस वन वन फैक्टोरियल वन हो गया, दो या छः यानी कि तीन आ गया। देखिए फॉर्मूले से भी वही आ रहा है और बिना फॉर्मूले के भी वही आ रहा है। तो एक बार और बता दें, तो दी गई वस्तुओं में से कुछ अथवा सभी वस्तुओं का चयन करते समय अगर हम क्रम पे ध्यान दें तो बनने वाले समस्त क्रम को हम क्या कहते हैं, क्रमचय कहते हैं, या उनके अरेंजमेंट पे ध्यान दें तो बनने वाले समस्त अरेंज जो कहलाते हैं परमोटेशन कहलाते हैं, और अगर हम उनके क्रम पे ध्यान ना दें तो बनने वाले समस्त समूह ग्रुप या कमेटी या सिलेक्शन को हम संचय कहते हैं। अब जैसे एक एग्जांपल मैं और दे रहा हूँ, जैसे मान लीजिए 20 प्लेयर हैं क्रिकेट के, ठीक है, और उनमें से हमें 11 की टीम बनानी है, तो 11 की जो टीम बनानी है तो वो क्या कहलाएगा, क्रमचय कहलाएगा या संचय। अब देखिए टीम बनानी है, तो टीम का मतलब ये ग्रुप बनाना है या समूह बनाना, तो इसका मतलब देखिए 20 खिलाड़ी में से अगर हमें 11 की टीम बनानी है तो वो टीम बन गई, अरेंज नहीं हुए। अब इन 11 को अगर हमें खेलने के लिए भेजना है फील्ड में तो कितने प्रकार से भेज सकते हैं, तो वो जो कहलाएगा वो क्रमचय कहलाएगा। तो
तो 11 को खेलने के लिए कितने तरीके से भेज सकते हैं, 11p11 यानी कि 11 फैक्टोरियल तरीके से हम भेज सकते हैं। और टीम का सिलेक्शन कितने प्रकार से कर सकते हैं 20 में से 11 की टीम का, तो 20c11। ठीक है, तो अगर हमें सिलेक्शन करना है, टीम बनानी है, ग्रुप बनाना है या समूह बनाना है तो वो संचय कहलाएगा, और उनको अरेंज करना है तो वो कहलाएगा क्रमचय। ठीक, तो चलिए अब हम विस्तार से अब आपको बताते हैं क्रमचय को। चलिए अब हम कुछ सम इम्पोर्टेंट रिजल्ट और परमुटेशन पर चर्चा कर लेते हैं। देखिए एनपीआर का जो फॉर्मूला वो एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फॉर्मूला, चाहो तो आप फॉर्मूले से कर सकते हो और बिना फॉर्मूले के भी कर सकते हो। तो ये फॉर्मूला हम तब अप्लाई करना जब एन वस्तु हो और उनमें से हम आर का चयन करें और कोई भी वस्तु रिपीट ना हो। जरा ध्यान दें, कोई रिपीटेशन नॉट अलाउ। कब यूज करना है, जब रिपीटेशन क्या हो, नॉट अलाउ। अगर रिपीटेशन नॉट अलाउ है तो ये वाला फॉर्मूला लगाना, अगर रिपीटेशन अलाउ है तो एन की पावर आर। ठीक है, जैसे मान लीजिए 5 में से 2 वस्तुएं चुनी है हमने, तो 5 में 2 वस्तुएं चुनेंगे तो 5p2, और 5 में से 2 वस्तुएं चुनी है लेकिन कोई भी वस्तु हम कितनी बार ले सकते हैं। ठीक है, तो हो जाएगा, तो चुनने वाली वस्तु ऊपर आएंगी यानी 5 की पावर 2 हो जाएगा। तो इन दोनों फॉर्मूलों में थोड़ा कन्फ्यूज मत होना। अब इसी को देखो, हम ज़्यादातर इन दोनों को कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए एक विधि होती है डब्बा विधि, उसका यूज करते हैं। डब्बा विधि, कार्टेन मेथड, डब्बा विधि। तो डब्बा विधि क्या होती है, देखो उससे आप सीखिए, उससे आप शॉर्ट में आंसर निकाल सकते हैं और इन दोनों फॉर्मूलों में कन्फ्यूजन भी नहीं होगा। दूसरी प्रॉपर्टी है देखिए एनपीएन, यानी एनपीएन सेम हो तो वो फैक्टोरियल होता है एन। अब आप यही वाला फॉर्मूला लगाएंगे, देखिए ऊपर एन फैक्टोरियल, नीचे होगा एन माइनस एन फैक्टोरियल। एन माइनस एन फैक्टोरियल जो होता है जीरो, जीरो फैक्टोरियल वन हो जाएगा तो ये आ जाएगा। इस तरह एन पी जीरो, देखिए इसका फॉर्मूला लगाएंगे आप ऊपर एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस जीरो फैक्टोरियल, तो ये कट के देखिए कितना आ गया, वन आ जाएगा। इस तरह एन पी वन का, इसकी जगह देखिए फॉर्मूला लगाएंगे आप एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस वन फैक्टोरियल, जब इसे एक बार खोल देंगे ऊपर वाले को और तो नीचे वाला ये कट जाएगा तो एन के इक्वल हो जाएगा। तो आप चाहो तो इसको याद रख सकते हो, ना भी रखोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, आप इसी फॉर्मूले से आप इनको निकाल भी सकते हो। देखो एन फैक्टोरियल और यहाँ पर सोल्व करेंगे तो एन प्लस वन ये कैंसिल हो जाएगा, तो कुल मिला के एन फैक्टोरियल हो जाएगा। ठीक, आप देखिए अब हम समझते हैं एनपीआर की डब्बा विधि की बात कर रहे थे, डब्बा विधि क्या है। ये कंपटीशन के लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है और इससे क्वेश्चन बहुत आसानी से निकल जाते हैं और कोई फॉर्मूला हमें याद करने की भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए अभी हमने बताया था, यह एक थी हमारे पास फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ। ठीक है, तो अब हमें दो किताबें चयन कितने प्रकार से कर सकते हैं, तो जितने दो किताबें चयन करनी तो उतने डिब्बे बना लीजिए, एक और दो। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए पहली किताब आप कितने प्रकार से चयन कर सकते हैं, तो जब आप पहली किताब, दो किताबें बनानी, जब पहली किताब चयन करोगे तो तीन में से कोई सी भी ले सकते हो, यानी कि पहली किताब को चयन करने के तरीके कितने हो गए, तीन हो गए। और दूसरी किताब को चयन करने के, क्योंकि एक किताब पहली चयन कर चुके होंगे तो आप दो बची, तो दूसरी किताब को चयन करने के तरीके कितने हो गए, दो। तो अभी हमने गणना का मूल सिद्धांत अभी आपको बताया था, लॉ ऑफ प्रिंसिपल ऑफ फंडामेंटल ऑफ मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, तो इसमें क्या बताया था, उसके अनुसार क्या करना है, इनकी गुणा कर लीजिए, क्योंकि ये एम वेज तरीके से हो रहा है, ये एन वेज तरीके से, तो कुल वेज जो हो जाएंगे वो इनकी मल्टीप्लिकेशन के इक्वल हो जाएंगे, यानी कितना आ गया आंसर, 6 आ गया। ठीक है, तो इसी तरह से अब मान लीजिए दूसरा इसी में कह दें कि कोई भी किताब आप कितनी बार ले सकते हो, तो कितनी बार ले सकते, यानी कि कोई बाउंडेशन नहीं है, यानी कि आपको जो दो किताबें चयन करनी है उस किताब को आप दोबारा भी ले सकते हो। तो तीन में से जो पहला जो भरा जा सकता है वो तीन तरीके से भरा जा सकता है। अब चूँकि जो किताब पहले ली है उसको आप दोबारा भी ले सकते हो, यानी कि रिपीटेशन अलाउ हो, तो दूसरा तरीका भी तीन ही हो गया, तो तरीके हो जाएंगे इनको 3×3 यानी कि 3 की पावर 2। देखिए ये जो इस फॉर्मूले के अनुसार आ रहा और ये जो आ रहा है वो इस फॉर्मूले के अनुसार आ रहा, तो आप डब्बा विधि से, इसे कार्टेन मेथड या डब्बा विधि बोलते हैं, इसकी सहायता से आप बिना फॉर्मूले के क्वेश्चन निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए और क्वेश्चन मैं एक दे दूं, जैसे नंबर है मेरे पास 2, 3, 4, 5। ठीक है, अब इसमें दो प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, एक तो रिपीटेशन अलाउ और रिपीटेशन नॉट अलाउ। अब हमसे कह रहे हैं कि तीन अंक की संख्या बनाइए, तो तीन अंक की संख्या के लिए हम इसमें जो है तीन डिब्बे बना देते हैं, कितने डिब्बे, तीन डिब्बे। ठीक है, अब कितने, अब ये कह रहा है रिपीटेशन नॉट अलाउ, यानी कि कोई भी नंबर जो है रिपीट नहीं होना चाहिए। तो तीन अंक की संख्या बनाने के लिए पहले पास जो हमारे पास चॉइस हैं वो है 4, चूँकि एक नंबर इसमें आ चुका होगा तो अब वो दोबारा रिपीटेशन नॉट अलाउ है, तो अब कितने बचे हमारे पास, तीन तरीके, और फिर जो तीसरा नंबर चुनने के तरीके बचे हमारे पास दो, तो कुल तरीके कितने हो गए, 4×3×2। तो ये वही है गणना का मूल सिद्धांत हमने लगाया, 4 थी 12 दूनी 24, यानी कि 24 तरीके हो गए। इसी क्वेश्चन में हमसे कह दे
कि रिपीटेशन अलाउ, यानी कि एक नंबर को आप दोबारा भी ले सकते हो। रिपीटेशन अलाउ का मतलब ये है कि आप तीन अंक की संख्या ऐसे भी बना सकते हो, इसमें इस तरह की संख्या नहीं बना सकते, यानी कोई भी नंबर को आपको रिपीट नहीं करना। और रिपीटेशन अलाउ का मतलब यह है कि आप एक ही नंबर को दो बार तीन बार भी ले सकते हो। तो जो पहला नंबर भरने के जो प्रकार हो गए वो कितने हो गए, चार। अब चूंकि रिपीटेशन अलाउ है, जो नंबर आपने यहाँ लिया है वो आगे भी ले सकते हो, तो उसका तरीके कितने हो गए, वो भी चार हो गए और ये भी चार हो गए। तो तरीके हो गए चार की पावर चार मल्टीप्लाई चार मल्टीप्लाई चार, यानी चार की पावर तीन। तो चार चौक सोलह चौका चौंसठ। तो ये तो तब है जब रिपीटेशन अलाउ है, और जब ये है तो ये वाला यह रिपीटेशन नॉट अलाउ, यानी कि नंबर जो है वो रिपीट नहीं हो रहा है। तो ये वाला और नंबर रिपीट हो सकता है, यानी अंकों की पुनरावृत्ति हो सकती है, तो ये वाला लगाना। तो ये आप बिना फॉर्मूले के डब्बा विधि से आप कर सकते हैं। साथ में यही नहीं, जो वर्ड वाले क्वेश्चन है, यानी कि जो वर्ड्स मतलब ट्राइंगल इस तरह शब्द जो दिए होते हैं वाले क्वेश्चन भी इस डब्बा विधि से आप कर सकते हैं। तो चलिए और क्वेश्चन करते हैं हम डब्बा विधि से। चलिए अब हम आपको परम्यूटेशन को और डिटेल से समझाते हैं। यहाँ पर देखिए तीन वर्ड लिखे हैं, बड़े फनी वर्ड हैं, आप इनकी हेल्प से थोड़ा सा इसको ध्यान में रख सकते हैं। पहला है डब्बा विधि और दूसरा है डोरी विधि, तीसरी खूंटी विधि। ठीक है, तो डब्बा विधि का मतलब क्या होता है, जो अभी मैंने डिब्बे बना कर दिखाए। डोरी विधि का मतलब होता है जब कोई किसी के साथ रहे, कि ये वाला जो वर्ड है वो इसी के साथ रहेगा, तो हम उसको डोरी से बांध देते हैं। ठीक है, तो उसे हम कहते हैं डोरी विधि। खूंटा विधि से मतलब फिक्स करना, जैसे कोई कह दे कि इसे पहले स्थान पर रखना, तो हम उसमें क्या खूंटा ठोक देंगे, यानी कि जैसे गांव की भाषा में बोलते हैं जो गाय या भैंस खूंटे से बंधी होती है, तो एक जगह फिक्स करना उसे बोलते हैं खूंटा विधि। ठीक है, तो चलिए अब हम देखो इसको हम विस्तार से आपको समझाते हैं, जिससे आपको ब्लू क्लियर हो जाएगा। जैसे यहाँ पर देखिए तीन दो पाँच नंबर है। ठीक है, तो इसमें एक तो ये होता है कि आप इन पाँच अंकों से तीन अंक की कितनी संख्या बनेंगी, तो पाँच अंकों से तीन अंक की संख्या यानी कि 5p3। तो आप इसको सॉल्व करेंगे, तो इसकी देखिए शॉर्ट ट्रिक भी आपको बता दूं सॉल्व करने की। तो आपको कैसे सॉल्व करना है, पहले पूरा डिटेल से बता रहा हूं मैं। ऊपर वाले का फैक्टोरियल अपॉन 5-3 फैक्टोरियल, तो आपको इतना लंबा नहीं करना है। तो कितना आया ये 5 फैक्टोरियल, यानी 4 × 3 × 2 × 1। मैं ये पूरा खोल कर दिखा रहा हूँ, और इसके बाद आज के बाद आप शॉर्ट में करेंगे इसको। ठीक है, यहाँ 2 बचा 2 × 2। तो अब आपको शॉर्ट में कैसे करना है, देखिए आपको शॉर्ट में ये करना है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिखा है 6p3 लिखा, तो जितना नंबर नीचे लिखा ठीक है उससे तीन लिखा, तो तीन तक इसको एक कम कर खोल दीजिए, यानी 4, 6, 5, 4, बस ये खोलना। जैसे यहाँ तीन लिखा तो तीन तक खोलो इसको, 5, 4, 3, यानी तीन बार खोलना ऊपर वाले नंबर को। तो तीन बार खोलेंगे जैसे 6, 5, 4, यानी 6, 5, 30 और 30, 60, 120। इसी तरह से 5, ये कितना हो जाएगा, 4, 5, 20, 60। तो और आपको देखिए जैसे हमारे लिखा हुआ यहाँ पे 8p3 लिखा हुआ, तो इसको कैसे खोलेंगे, शॉर्टकट में तीन बार खोल दीजिए ऊपर वाला 8, 7 और ये 6, बस इनकी मल्टीप्लाई कर लेंगे, 8, 6, 48, 7 से गुणा कर लेंगे, 60, 8, 56, 7, 4, 28 और 5, 33, इस तरह से। ठीक है, और जैसे इसको पूरे तरीके से खोलना है, तो शॉर्ट तरीका क्या, जितना नंबर नीचे लिखा इतने बार इसको खोलना। तो इसको आप शॉर्ट में ही करेंगे, तो शॉर्ट एक बार और देख लें इसको। अगर हम फॉर्मूले से खोलेंगे तो कैसे खुलेगा, 8 फैक्टोरियल और नीचे वाला हो जाएगा 5 फैक्टोरियल। अब देखो कैसे आता है ये, इसको खोला 8, 7, 6 और 5 फैक्टोरियल। देखिए 5 फैक्टोरियल ये नीचे वाला जो है हम काट लेते हैं, बस हम केवल यही डिजिट लिखेंगे। ठीक है, 8, 7, 6, तो ये तरह शॉर्ट तरीके से खोलेंगे। अब देखिए यहाँ पे हमने जो लिखी ये लिखी थी सबसे पहले तो ये तो हो गया फॉर्मूले से। ठीक है, पाँच में से तीन अंक की संख्या इतने बनाते हैं। अब बिना फॉर्मूले के देखो कैसे करते हैं, बिना फॉर्मूले करना, तो सबसे पहले हम बताएंगे आपको डिब्बा विधि। तो तीन अंक की संख्या बनाने के लिए आप तीन डिब्बे बना लीजिए यहाँ पे, तो दिस इज नोन एज कार्टन मेथड। तो आपने तीन डिब्बे बना लिए, अब कितने अंक की बनानी है, तीन अंक की बनानी है। तो पहले कितने तरीके से भर सकते हैं हम इसको, पांच तरीके से भर सकते हैं पहला वाला डिब्बा। एक अंक आ चुका होगा तो आप चार तरीके से भर सकते हैं, फिर दो अंक हमारे पास चले गए हैं तो तीसरा डिब्बा तीन तरीके से। तो 5 × 20 इनकी आपस में मल्टीप्लाई की गणना के मूल सिद्धांत के अनुसार जो हमने आपको शुरू में बताया था उसके हिसाब से इनकी क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी। 5 × 20 = 60, देखिए 60 आंसर आ रहा है, यहाँ भी 60 ही आ रहा, तो ये कहलाती है डब्बा विधि। ठीक है, अब इसी में अगर पाँच अंक की बनानी है तो पाँच डिब्बे बना लीजिए। तो कितने डिब्बे बनाने हैं, पांच डिब्बे, लो जी पांच डिब्बे हमने बना दिए। तो
तो पहला अंक कितने तरीके से भरा जा सकता है? पहला अंक भरा जा सकता है पांच तरीके से, दूसरा फिर चार तरीके से क्योंकि एक अंक यहाँ आ चुका होगा, फिर ये तीन तरीके से भरा जा सकता है, और फिर ये दो तरीके से, और यहाँ पे एक तरीके से क्योंकि पहला अंक पांच तरीके से, क्योंकि पांच चॉइस है हमारे पास, कोई सा भी नंबर ले सकते हैं इसमें, क्योंकि अंक रिपीट, देखिए यहाँ दो बात होती है, अंक रिपीट होता है और अंक रिपीट नहीं होता, यानी रिपीटेशन अलाउ और रिपीटेशन नॉट अलाउ। तो ये क्या है? नॉट अलाउ, रिपीटेशन नॉट अलाउड, ठीक है। तो रिपीटेशन नॉट अलाउड है तो इस तरह से करना, और रिपीटेशन अलाउ है तो फॉर्मूला ये वाला है, और रिपीटेशन नॉट अलाउ है तो फॉर्मूला है NPR वाला, और आपको बिना फॉर्मूले का करना है। तो अगर रिपीट नॉट अलाउ है रिपीटेशन तो इस तरह से करना है, और अलाउड है, रिपीटेशन क्या है? अलाउड है, तो अलाउड है तो क्या करेंगे? देखिए पहला जो डिब्बा है वो पांच तरीके से भरा जा सकता है, जो चूँकि रिपीटेशन अलाउ, जो आपने पहला नंबर लिखा वो लास्ट में भी ले सकते हैं, ये भी पांच तरीके से, ये भी पांच तरीके से, ये भी पांच तरीके से, और ये भी पांच तरीके से, ठीक है। तो कुल तरीके हो गए 5 की पावर 5 हो जाएंगे, यानी 5 × 5 × 5, ठीक है। तो ये तो हो गई डिब्बा विधि। अब हम बात कर रहे थे एक, इसमें देखिए खूंटा विधि क्या होती है। खूंटा विधि यानी फिक्स करने को हम बोलते हैं खूंटा विधि। जैसे हम कहें कि 5 से विभाज्य संख्या बताइए, तो 5 से विभाज्य संख्या यानी कि 5 अंकों की संख्या बनानी है, वो इतनी संख्याएँ बनानी है जो 5 से कट जाएँ। तो हम जानते हैं जो 5 से विभाज्य संख्याएँ होती हैं, पहले मैं थोड़ा यहाँ जगह कर लेता हूँ। अब देखिए इसी में एक क्वेश्चन और बनता है कि 5 से विभाज्य संख्या बताइए, यानी कि वो संख्या बतानी जो 5 से कट जाए, यानी 5 से विभाज्य संख्या, 5 से विभाज्य। तो 5 से विभाज्य संख्या निकालनी, और कितने अंक की निकालनी? मान लीजिए 5 अंक की संख्या 5 निकालनी है जो 5 से विभाज्य हो। तो इसमें कहा है कि 5 से विभाज्य ऐसी कितनी संख्याएँ बन सकती हैं, तो वही 5 अंक की संख्या बनानी है तो 5 डिब्बे बना दो पहले, तो ठीक है ये 5 डिब्बे बन गए। अब हमें क्या करना है? 5 से विभाज्य वाली संख्या निकालनी। तो हम जानते हैं 5 से विभाज्य संख्या वो होती है जिसके लास्ट में 5 हो या 0 हो, तो चूँकि 0 तो इसमें है नहीं तो 5 आएगा लास्ट में, तो इसे हम क्या करेंगे, इस पे खूंटा ठोक देंगे, यानी कि इसको फिक्स कर देंगे। तो यही कहलाती है खूंटा विधि या फिक्स करना, यानी 5 पे हम क्या कर देंगे यहाँ पर खूंटा ठोक देंगे, ठीक है। खूंटा हमने ठोक दिया यानी इसको फिक्स कर दिया, ठीक। अब उसके बाद अब हमें 4 डिब्बे बनने हैं। अब इसमें भी 2 केस हो सकते हैं, रिपीटेशन अलाउ और रिपीटेशन नॉट अलाउ। अगर रिपीटेशन नॉट अलाउ है तो पहला कितने तरीके से भर सकता है? क्योंकि 4 तरीके से, क्योंकि 5 में 1 अंक तो यहाँ फिक्स हो गया। फिर दूसरा कितने तरीके से भरेगा? 3 तरीके से, फिर 2 तरीके से, और ये 1 तरीके से। तो कुल कितने तरीके हो जाएंगे? 4, 3, 2, 1, 4 × 12 = 24, ठीक है। इसी को आप फॉर्मूले से भी कर सकते थे, क्योंकि 5 से विभाज्य संख्या निकालनी है तो 5 तो सब में आना ही आना, तो लास्ट में 5 को क्या कर दिया हमने? फिक्स कर दिया, इस पर खूंटा ठोक दिया। तो अब बचे 4, 4 में से कितने अंक चुनने? 4 में से 4 ही चुनने। तो इसको सॉल्व कर लेंगे, ये हो जाएगा 4 factorial, और 4 factorial कितना होता है? 4 × 3 × 2 × 1, यानी 4 × 12 = 24, ठीक है। तो ये कहलाती है आपको खूंटा विधि, ठीक है, किसी भी नंबर को फिक्स करना। ऐसे ही इसमें एक क्वेश्चन और भी बन सकता है, जैसे मान लीजिए कहें कि सम संख्या बताइए, तो सम संख्या में क्या होगा भाई? अब बताइए 5 अंकों की कितनी सम संख्याएं बन सकती हैं? क्या कहें हमसे कि 5 अंकों की कितनी सम संख्याएं बन सकती हैं? तो भाई पहले 5 अंक हमारे पास, तो 5 ही डिब्बे बना दीजिए, और सम संख्या के लिए लास्ट में क्या होना चाहिए? 2, ये यहाँ से हटा दो, सम संख्या के लास्ट में होना चाहिए 2, 4, 6, तो यहाँ पर क्या केवल 6। तो हमने क्या करा, 6 को पहले फिक्स कर दिया, यानी इस पर जो है खूंटा ठोक दिया, ठीक है। अब कितने? 4 अंक भरने हैं, तो 4 कैसे भरे जा सकते हैं? तो पहला नंबर 4 तरीके से भरा जा सकता है, दूसरा भरा जा सकता है 3 तरीके से, फिर 2 तरीके से, फिर 1 तरीके से, इनकी आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे। मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं? क्योंकि गणना का मूल सिद्धांत कहलाता है फंडामेंटल लॉ ऑफ प्रिंसिपल। क्या कहलाता है? गणना का मूल सिद्धांत, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लीकेशन। तो यहाँ 4 × 12 = 24, ठीक है, ये इस तरह से आ जाएगा। अब दूसरा देखिए, एक लिखा डोरी विधि। डोरी विधि जो यूज करते हैं हम ज़्यादातर वर्ड्स वाले क्वेश्चन में करते हैं। तो आप यहाँ से जैसे ये वर्ड आपको दिखाई दे रहा है ट्रायंगल, तो आप ये कहें कि ट्रायंगल वर्ड से, ठीक है, कुल कितने वर्ड्स बन सकते हैं? तो यहाँ पर देखिए ट्रायंगल में कितने वर्ड हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 वर्ड हैं। कितने? 8। तो यहाँ पर देखिए कोई भी रिपीट नहीं हो रहा। देखिए रिपीट होता तो उसका मेथड अलग है, TRIANGLE सब अलग अलग हैं, ठीक है, तो कोई भी रिपीट नहीं हो रहा। तो अब हमें एक बताना ट्रायंगल वर्ड से कितने वर्ड बन सकते हैं। देखिए इसको भी हम जो है
इस तरह से डब्बा मेथड से कर सकते हैं। डिब्बे आप अपने हिसाब से बना सकते हो, एक साथ जोड़ के ही बना सकते हो, अलग अलग ही बना सकते हो। थोड़ा जैसे एक दो तीन चार पाँच हो गए, कितने आठ बनाने हैं, एक दो तीन चार पाँच छः सात, एक और बना लीजिए, चलो इसको दो कर देते हैं, ये हो गए। अब क्या करना, ट्रायंगल वर्ड से कितने वर्ड बन सकते हैं, तो वही होगा। तो पहले कितने तरीके से भरा सकता है, फिर आठ, फिर सात, फिर छः, फिर पाँच, फिर चार, फिर तीन, फिर दो, फिर एक, इनकी आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। आठ फैक्टोरियल अभी हमने बताया था, इसको लिख सकते हैं आठ इंटू सात फैक्टोरियल, आठ फैक्टोरियल ये हो जाता है 5040, 5040 इससे मल्टीप्लाई करेंगे आंसर हमारा आ जाएगा, ठीक है। अब इसी में देखिए क्या कंडीशन बन सकती है, इसमें ये कह सकता है कि ट्राइंगल वर्ड से कितने वर्ड बन सकते हैं कि लास्ट में ई रहे। अब लास्ट में जब ई रहा तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, हमें खूटा ठोकना पड़ेगा। और जब ये खूटा ठोकेंगे तो बाद कितने वर्ड रह गए, एक, देखिए यहाँ पर क्या आ गया, यहाँ तो ई वर्ड हो गया, तो एक तो हमें यहाँ पर क्या कर दिया, लास्ट में ई रहे, तो यानी कि इसको हमने क्या कर दिया, फिक्स कर दिया, यहाँ पर खूटा ठोक दिया। तो अब बचे कितने, सात, तो पहले वाला कितने तरीके से भरा जा सकता है, सात तरीके से, फिर छः, फिर पाँच, फिर चार, फिर तीन, फिर दो, फिर इनकी आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे, यह आ जाएगा 5040। मैंने तभी बताया था आपको सात फैक्टोरियल तक आपको याद होना चाहिए, ठीक है। अब डोरी विधि क्या है, डोरी विधि में ये है कि हमसे कहे कि भाई ट्राइंगल वर्ड से कितने वर्ड बन सकते हैं जबकि टी और ई हमेशा साथ साथ रहें, क्या रहें, टी और ई हमेशा साथ साथ रहें। तो ट्राइंगल वर्ड से कितने वर्ड बन सकते हैं जबकि टी और ई हमेशा साथ साथ रहें, तो इसके लिए पहले मैं एक आपको फॉर्मूला बता दें। जब इस तरह के क्वेश्चन हमें करने हो तो ये जो होता है जितने भी वर्ड्स हैं वो ऊपर लिखेंगे यानी कि एन फैक्टोरियल, और जो रिपीट हो रहे होते हैं उनको नीचे लिखेंगे, पी फैक्टोरियल इंटू क्यू फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल। ये फॉर्मूला तब लगाते हैं जब वर्ड्स से संबंधित क्वेश्चन हमें करना होता है। तो एन तो होता है टोटल फैक्टोरियल, यानी टोटल जितने भी वर्ड्स हैं उसके अंदर, और जो रिपीटेशन होते हैं वो नीचे। तो ये फॉर्मूला आप फॉर्मूले के रूप में इसको लर्न कर ले, तो इसी पर आधारित चलिए कुछ क्वेश्चन कराते हैं। चलिए अब हम आपको बता देते हैं डोरी विधि से मतलब क्या होता है। जैसे हमसे कहे ट्राइंगल वर्ड से कुल कितने वर्ड बन सकते हैं जबकि टी और ई हमेशा साथ साथ रहें, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, टी और ई को डोरी से बांध देंगे, क्या करा हमने, इनको डोरी से बांध दिया। बाकी जो वर्ड बचे वो कितने बचे, आर आई ए एन जी एल बचे, ये कहीं भी रह सकते हैं। तो कुल मिला कितने वर्ड हो गए, अब एक दो तीन चार पाँच छः सात, पहले कितने वर्ड थे, आठ थे, अब रह गए सात, यानी कि जितने वर्ड हैं ऊपर फैक्टोरियल। अब रिपीट कुछ होने रहा, लेकिन जो डोरी में बंधे बंधे हैं अंदर टी और ई, ये आपस में स्थान चेंज कर सकते हैं, यानी कि ये इधर हो सकता है और ये वाला इधर, तो इनटू में टू फैक्टोरियल और आ जाएगा। तो ये इसका आंसर आ जाएगा, कब, जब ट्रायंगल वर्ड से कितने वर्ड बन सकते हैं जबकि टी और ई हमेशा साथ साथ रहते हैं। जब भी कोई वर्ड साथ साथ रहने वाला निकालना हो तो उनको हम डोरी से बांध देते हैं, तो इस विधि को कहते हैं डोरी विधि, ठीक है। और उसे हम एक मान लेते हैं, तो एक ये हो गया और छः ये सात तरीके हो गए, लेकिन ये आपस में स्थान चेंज कर सकते हैं इसलिए टू फैक्टर हो गया। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन हम कम बता रहे हैं, उसके बाद जो प्रैक्टिस सेट होगा वहाँ हर टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस हम कराएंगे जिससे आपको बिल्कुल क्लियर हो जाए। तो इसी में अब है एक सर्कुलर परमुटेशन, देखो सर्कुलर परमुटेशन क्या होता है, सर्कुलर परमुटेशन, तो देखिए सर्कुलर परमुटेशन क्या, जरा ध्यान समझें। देखिए जब n वस्तुएं हों और उनमें से हमें जो है r वस्तुओं को, यानी n वस्तुएं हैं, n की वस्तुओं को किसी गोल मेज के चारों ओर बैठाना हो, ठीक है, कितनी n वस्तुएं यानी n व्यक्ति हैं, उनको गोल मेज के चारों ओर बैठाना है, ठीक। लेकिन जब बैठाएंगे तो हमें इस बात का पता हो कि लेफ्ट किधर है और राइट हैंड साइड किधर है, अगर इस बात का हमें ज्ञान है, आभास है उसमें कि लेफ्ट हैंड साइड ये है, राइट हैंड साइड ये है, तो उसका जो परमुटेशन होता है वो होता है n माइनस वन फैक्टोरियल। ये इसलिए होता है क्योंकि गोल मेज के चारों बैठाने के लिए किसी एक को हमें जो है फिक्स करना पड़ेगा, यानी कि उस पर खूटा ठोकना पड़ेगा, तब उस पर हम जो है उन्हें बैठा पाएंगे, ठीक है। तो इसलिए होता है n माइनस वन फैक्टोरियल। जैसे पांच व्यक्तियों को हम गोल मेज के चारों ओर कितने प्रकार से बैठा सकते हैं, तो 5-1 यानी कि 4 फैक्टोरियल, ठीक। इसी में अगर हमें लेफ्ट राइट का भेद नहीं है, यानी कि इस बात का आभास नहीं है कि ये लेफ्ट है या इसका या राइट है, तो उसका जो क्रमचय होता है वो होता है n माइनस वन फैक्टोरियल अपॉन 2, ठीक है। जैसे हमें फूलों की माला, यानी ये कहा कि भाई 10 फूल हैं, 10 फूलों की माला से कितने, 10 फूलों से कितनी मालाएँ बन सकती हैं, तो जब हम माला बनाते हैं तो फूल
हम लेफ्ट हैंड साइड से गूंथ रहे हैं या राइट हैंड साइड से गूंथ रहे हैं तो इसका आभास नहीं होता है, तो इसका क्रमचय हो जाएगा, परमुटेशन हो जाएगा 10-1 × 2। इसी तरह मान लीजिए मोतियों की माला बनानी है, यानी कि हमारे पास 6 मोती हैं, उनसे हमें माला बनानी है। तो जब हम मोती की माला बनाएंगे तो उसमें वामावर्त और दक्षिणावर्त यानी कि लेफ्ट हैंड क्लॉक वाइज और एंटी क्लॉक वाइज का हमें अंतर नहीं होगा, तो तब उसकी स्थिति में इसका जो क्रमचय होगा वो 6-1 × 2 यानी 2 से डिवाइड होगा, क्योंकि दो ग्रुप बन जाते हैं इसलिए इन्हें 2 से डिवाइड किया जाता है, ठीक है। और जब लेफ्ट राइट का भेद हो तो उसमें n-1 होता है, ठीक है। तो चलिए अब हम समझते हैं विस्तार से कम्बिनेशन को। चलिए अब हम इसको समझने की कोशिश करते हैं, कम्बिनेशन और संचय। जैसा कि मैंने डेफिनेशन स्टार्टिंग में आपको बताई थी, दी गई वस्तुओं में से कुछ अथवा सभी वस्तुओं का चयन करते समय अगर हम क्रम पे ध्यान दें तो बनने वाले समस्त क्रम क्रमचय, और हम क्रम पे ध्यान ना दें तो बनने वाले समूह ग्रुप या सलेक्शन को हम जो है संचय कहते हैं। तो दी गई वस्तु जैसे हमने अभी बताया था, मान लीजिए 3 वस्तुएँ हमारे पास ए बी सी। अब हमें दी गई वस्तुओं में से 2 वस्तुएं चुननी है, तो 2 वस्तुएं हम क्या ले सकते हैं, एक ए बी ले सकते हैं और एक बी सी ले सकते हैं और एक सी ए, यानी हमें इनके क्रम पे ध्यान नहीं दे रहा है, तो कितने समूह बन रहे हैं, 3। इन्हें समूह कह सकते हैं, ग्रुप कह सकते हैं, टीम कह सकते हैं, ठीक है। तो दी गई वस्तुओं में से कुछ अथवा सभी वस्तुओं का चयन करते समय अगर हम उनके क्रम पे ध्यान ना दें तो बनने वाले समूह को, ग्रुप को, टीम को हम क्या कहते हैं, संचय या कॉम्बिनेशन कहते हैं। इसको सी पहले वर्ड से नोट करते हैं, एन जितनी वस्तुएं होती हैं ऊपर और जितने का दो का बनाना है तो वो आर वस्तुएं होती हैं नीचे, यानी जितनी वस्तुओं का हमें समूह ग्रुप बनाना है वो लिखते हैं नीचे। तो फॉर्मूला होता है NCR। तो NCR फॉर्मूला हमने वहाँ भी बताया था, n·r·n·r·। तो इसकी कुछ प्रॉपर्टीज है, उनको पहले समझेंगे। जैसे मान लीजिए इसी क्वेश्चन को देख लें, 3 वस्तुएं हैं और हमें 2 वस्तुओं के समूह बनाने हैं, तो कैसे बना सकते हैं, 3 और नीचे वाले नंबर का फैक्टोरियल और इनके अंतर का फैक्टोरियल 3-2। तो सोल्व करा हमने, कितना आया, 3 और 2 × 1। ऊपर वाले को खोला हमने, 3 × 2 × 1 और 2 × 1, तो उसे 2 कट गया, कितना आ गया, 3 आ गया। देखिए ये इतना लंबा हमें सोल्व नहीं करना है, कंपटीशन में हमें बिल्कुल शॉर्ट करना है। जैसे इसी को हमें शॉर्ट में, जैसे मान लीजिए 5C2 खोलना, तो नीचे जो नंबर लिखा हो इतने तक खोलेंगे। जैसा हमने PV बताया था अभी, इसे खोलेंगे, 2 लिखा तो 2 तक खोलेंगे, एक कम करके खोलते हैं घटते क्रम में, और जो नीचे वाला नंबर है उसे 1 तक। यहीं पे अगर P होता तो कैसे खोलते, 5P2 को कैसे खोलते, 5 और 4, बस नीचे वाला नंबर नहीं लिखते हैं इसमें, ठीक है। परमुटेशन में नीचे वाला नंबर नहीं लिखेंगे और संचय में जो है नीचे वाला नंबर का भी 1 नंबर तक खोलते हैं। जैसे और मैं एग्जांपल दे दूं, जैसे मान लीजिए 6C3 है, तो इसे ऐसा सॉल्व करना, 6 5 4, यानी जितना नंबर नीचे लिखा है इतना खोलना, 3 स्थान तक खोलना है, और जो नीचे वाला नंबर है उसको 1 तक खोलना, ठीक है। 3 × 2 = 6, 5 × 6 = 20 इसका आंसर आ गया। और यहाँ पे अगर पी होता तो कैसे करते, 6P3, तो 3 स्थान तक खोलना, 1 कम करके खोलना, लेकिन नीचे वाले को नहीं लिखना पी में, ठीक है। तो 4×5 = 20, 20 × 6 = 12, 120, ये इसका आंसर आ गया। तो ये आपको शॉर्ट ट्रिक यूज करनी है। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टी भी होती हैं जो आपको ध्यान रखनी है। नंबर एक देखिए, पहली प्रॉपर्टी है ये NCN की जो वैल्यू होती है वो 1 होती है। NCN या NC0 हो वो भी क्या होता, 1 होता। आप इसको फॉर्मूले से खोल कर दे सकते हैं, n·n·n·1 कट के 1 हो जाएगा। NC0 को सॉल्व करेंगे तो भी ये आएगा। तो NC0 NCN क्या होता है, 1 होता है, और NC1 = होता है n, यानी कि एक बार खोलेंगे इसको, n ऊपर है यहाँ पर ये, तो ये है देखिए, NCN की वैल्यू 1 हो गई, NC0 की वैल्यू भी 1 है, और NC1 की वैल्यू कितनी है, n है, ठीक है। और कोई प्रॉपर्टी और है जिसे हम बोलते हैं पास्कल लॉ। क्या बोलते हैं, पास्कल लॉ, NCR + NCR − 1 = NC1 CR, तो इसे पास्कल नियम बोलते हैं। ये भी बहुत क्वेश्चन करते समय यूज होगा, दोबारा फिर समझे, NCR + NCR − 1, इसमें एक का अंतर होता है, ऊपर सेम टू सेम होता है, तो जो ऊपर में तो एक प्लस कर देंगे और नीचे जो बड़ी संख्या वो लिखेंगे। NCR + NCR − 1
इज इक्वल टू एन प्लस वन सी आर, इसे हम पास्कल लॉ भी बोलते हैं। ठीक है, और जो देखिए तीसरी जो प्रॉपर्टी है बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन जब हम कर रहे होंगे उसका यूज करेंगे, एन सी एक्स इज इक्वल टू हो एन सी वाई। ठीक है, तो यहाँ से दो रिजल्ट बनते हैं, एक तो ये बनता है अगर एन ऐसा है तो एक्स बराबर वाई भी कर सकते हैं, यानी कि हम इनके वेज की जो है तुलना कर सकते हैं, तो क्या हो जाएगा एक्स इक्वल टू वाई, या ये भी हो सकता है एन इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। ठीक है, तो इससे पहले हम एक और बता दें, फोर्थ प्रॉपर्टी कि एन सी आर जो होता है बराबर होता है एन सी आर माइनस एन माइनस आर, ये प्रॉपर्टी मोस्ट इम्पोर्टेंट। ठीक है, एन सी आर बराबर एन, मैं दोबारा लिख देता हूँ, एन सी एन माइनस आर, जैसे मान लीजिए यहाँ पे कहीं पे लिखा हुआ है फाइव सी फोर लिखा है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं फाइव सी, नीचे इसमें से माइनस आर के यहाँ लिख देते हैं फाइव सी। ठीक है, ऐसे मान लीजिए देखिए टेन सी एट लिखा है, तो इस प्रॉपर्टी के अनुसार हम इसको लिख सकते हैं टेन सी टू, ऊपर वाले में से नीचे वाला माइनस करके लिख देंगे, तो एन सी आर इज इक्वल टू एन सी एन माइनस आर, इसी प्रॉपर्टी का यूज करके ही आया है एन इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। देखिए इसको क्या लिख सकते हैं हम, इसको लिख सकते हैं एन सी एन माइनस वाई, अब बेस की तुलना कर देंगे, तो जब हम बेस की तुलना करेंगे तो एक्स इज इक्वल टू एन माइनस वाई, तो एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एन लिया जाएगा। ठीक है, तो मोस्ट प्रॉपर्टी है, पहला देखिए एन सी एन है तो वन होगा, या एन सी जीरो की वैल्यू भी वन होगी, एन सी वन एन, ये पास्कल लॉ है, एन सी आर प्लस के एन सी आर माइनस वन बराबर एन प्लस वन सी आर, एन सी एक्स इज इक्वल टू एन सी वाई इज इक्वल टू क्या होगा एक्स इज इक्वल टू वाई, या एन इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, और एन सी आर बराबर होता है एन सी एन माइनस आर। ठीक है, तो इसे क्वेश्चनों में हम यूज करेंगे। देखिए इसमें जो सम इम्पोर्टेंट रूल हैं, जो क्वेश्चन किस किस टाइप के आते हैं वो आपको बता दूँ। नंबर एक, जैसे मान लीजिए एक ऐसा होता है जैसे अभी जैसा कि हमने बताया था, दी गई वस्तुओं में से कुछ अथवा सभी वस्तुओं का चयन करते समय अगर हम उनके क्रम पे ध्यान ना दें तो बनने वाले जो समूह होते हैं ग्रुप होते हैं उनको हम जो है संचय कहते हैं, यानी कि सिलेक्शन को ग्रुप को क्या कहते हैं हम संचय कहते हैं कम्बिनेशन कहते हैं। तो जैसे मान लीजिए 20 खिलाड़ी हैं और उसमें से हमें 11 की टीम बनानी है, तो इसका मतलब ये जो क्वेश्चन हो गया वो किसका हो गया संचय का हो गया कम्बिनेशन का। तो कैसे करेंगे 20C11। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेंगे आंसर हमारा आ जाएगा। ठीक, दूसरी टाइप का जो क्वेश्चन हुआ इसमें हुआ कमेटी वाला, ग्रुप कमेटी वाला, जैसे मान लीजिए एक क्लास है जिसमें जो है 8 बॉयज़ हैं और जो है 5 गर्ल्स हैं। ठीक है, कितने 8 बॉयज़ हैं 5 गर्ल्स हैं, तो एक हमें कमेटी बनानी है, कैसी कमेटी बनानी, 4 की कमेटी बनानी है, 4 सदस्य इसमें रखने हैं और कम से कम ये 2 गर्ल्स ज़रूर लेनी है, तो एटलीस्ट कितनी लेनी है 2 गर्ल्स। ठीक है, तो इस टाइप का अगर क्वेश्चन आता है तो भी संचय से करना। तो 8 बॉयज हैं 5 गर्ल्स हैं, हमें एक कमेटी बनानी है, एक ग्रुप बनाना है या जलपान समिति बनानी है जिसमें से 4 लोगों का सिलेक्शन करना, 4 लोगों की कमेटी बनानी है जिसमें 2 गर्ल्स लेनी है। तो कैसे कैसे ले सकते हैं, देखिए 2 गर्ल्स लेनी है तो 5 में से आप 2 गर्ल्स ले सकते हो या 5 में से आप 1 गर्ल्स ले सकते हो। ठीक है, तो अब 5 में से जब 2 गर्ल्स लेंगे तो कमेटी बनाने के लिए बॉयज कितने लेने पड़ेंगे हमें, 8 में से कितने बॉयज लेने पड़ेंगे, 8 में से 2। ठीक है, अब 5 में से जब 1 गर्ल्स लेंगे तो बॉयज कितने लेने पड़ेंगे, 8 में से हमें 3 बॉयज लेने पड़ेंगे। तो आप फिर ध्यान दें, हमें 4 की कमेटी बनानी है, तो कैसे कैसे बना सकते हैं, अब कम से कम 2 गर्ल्स लेनी ज़रूरी है, तो पहले हमने 8 में से 5 में से 2 गर्ल्स ले ली, तो बाकी 8 में से 2 लड़के ले लिए, 5 में से अगर 1 गर्ल्स लेते हैं, ठीक है, तो 8 में से 3 लड़के लेने पड़ेंगे। और बीच में देखिए यहाँ पर जो वर्ड आ रहा है वो या वर्ड आ रहा है, तो जैसे हमने अभी शुरू में बताया था गणना का मूल सिद्धांत से कि एक क्रिया एक प्रकार से हो रही है, दूसरी क्रिया दूसरे प्रकार से हो रही है, तो या वर्ड आता है तो वहाँ पर प्लस लगाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्या बना रहे हैं हम, कमेटी बना रहे हैं, तो 5 गर्ल्स हैं, 5 में से 2 लेंगे तो बॉयज लेने पड़ेंगे 8 में से 2, 5 में से 1 गर्ल्स लेंगे तो बॉयज लेने पड़ेंगे 8 में से 3, क्योंकि हमें जो कमेटी बनानी है वो 4 की बनानी है और कम से कम 2 लड़कियां लेनी है, यानी कि आप देखिए यहाँ पे ये कह रहे हैं कम से कम 2 लड़कियां लेनी है, तो ये बात सही है, लेकिन ये भी तो कह सकते, ये कहा एट लिस्ट, क्या कहा एट लिस्ट, तो एट लिस्ट 2 गर्ल्स लेनी है, तो 2 तो ये हो गई, अब ऐसे भी हो सकता है 3, कम से कम 2 कह रहे हैं, तो हो सकता है कि 5 में से 3 गर्ल्स ले लें, तो 5 में 3 लेंगे तो बॉयज़ कितने लेने पड़ेंगे 8C1,
ऐसा भी हो सकता है पांच में से चार गर्ल्स ले लें, बॉयज ले लें, तो चार की जो कमेटी वो इतने प्रकार से बन सकती है, एक दो तीन चार। अब यहाँ पर देखिए, पांच में से चार गर्ल्स लें तो बॉयज कुछ नहीं लेंगे, या वर्ड आ रहा तो प्लस का निशान लगाएंगे, पांच में से चार गर्ल्स तीन गर्ल्स लेंगे तो बॉयज हमें एक लेना पड़ेगा, जिससे चार की कमेटी बन जाए, या के लिए फिर प्लस लगाया, पाँच में से दो गर्ल्स ली तो इसमें से पाँच में से तीन गर्ल्स ली तो या गया, अब पाँच में से दो गर्ल्स ली तो या गया, ठीक है, पाँच में तीन वाला गर्ल्स तो हमने ये अलग कर दिया था, हाँ पाँच में से चार गर्ल्स ले सकते हैं, पाँच में से तीन गर्ल्स या पाँच में से दो गर्ल्स, ये वाला केस तो हमने लिख दिया था, इसे दोबारा रिपीट हो गया, इसे हटा दें, दोबारा फिर ध्यान दें, देखिए पाँच में से चार गर्ल्स ली तो बॉयज कुछ नहीं लिया, पाँच में से तीन गर्ल्स ली तो बॉयज लिया एक, पाँच में से दो गर्ल्स ली तो बोझ लिए दो, तो यानी कुल मिला कितनी कंडीशन हो गई हमारी, ये हो गई, ये देखिए ये इतनी कंडीशन हो गई, एक दो तीन, दोबारा फिर ध्यान दें, पांच में से चार गर्ल्स ले सकते हैं, पांच में से तीन ले सकते हैं, पांच में से दो ले सकते हैं, बाकी जो लेने हैं वो हमें लड़की, क्योंकि कम से कम दो लड़की लेनी, ठीक है, तो इसी तरह से क्वेश्चन जो आते हैं वो सब कैसे आते हैं, कम्बिनेशन में आते हैं। तीसरे टाइप के जो क्वेश्चन हैं वो इसमें आते हैं, इस टाइप के, देखिए एक समतल में तीन पॉइंट हैं, तीन या चार या पांच कुछ भी हो सकते हैं, उनसे कितनी लाइनें ड्रा कर सकते हैं, तो लाइन ड्रा करने के लिए देखिए इन्हें ऐसे मिलाना पड़ेगा, यानी लाइन ड्रा करने के लिए हमें इनको मिलाना पड़ेगा, यानी ग्रुप बनाना पड़ेगा, तो इसके लिए फॉर्मूला है NC2। जैसे पांच पॉइंट हैं और पांच पॉइंट में से आप किन्हीं दो बिंदुओं को मिला के कितनी लाइन खींच सकते हो, तो क्या होगा फॉर्मूला, 5C2, यानी इसे खोलेंगे 5×4 2×1 5×24, यानी कि 10 लाइन हम खींच सकते हैं, ठीक है। और क्वेश्चन एक इस तरह भी आ सकता है, देखिए मान लीजिए छः बिंदु हैं और छः में से जो तीन बिंदु वो एक ही लाइन में, तो कितनी लाइन ड्रा कर सकते हो, ठीक है, छः बिंदु हैं जिसमें देखिए एक ऐसा हो सकता है, और जिसमें से जो तीन बिंदु हैं वो क्या है, एक ही लाइन में है, यानी कि एक दो तीन ऐसे, तो अब ये बताना है कि इनसे होकर कितनी लाइनें खींची जा सकती हैं, तो आपको बता दें, देखिए यहाँ से कुल कितनी है, छः लाइन पॉइंट है, तो छः में से अगर दो को मिला दोगे तो लाइन बन जाएगी, लेकिन अगर इन दो को आपस में मिलाओगे तो लाइन नहीं बनेगी, ठीक है, तो इसमें क्या करना पड़ेगा, माइनस कितनी लाइन है ऐसी, 3C2, यानी तीन में से कोई नहीं दो को मिलाओगे तो लाइन नहीं बनेगी, लेकिन इन तीनों को आपस में मिला के एक लाइन तो बन जाएगी, तो यहाँ पर प्लस करना पड़ेगा, तो जो लाइन वाले क्वेश्चन है वो इस तरह से करेंगे, ठीक है। अब इसी में दूसरा ये भी कह सकता है कितने ट्राइंगल बनेंगे, तो ट्राइंगल के लिए तीन बिंदु मिलाने पड़ेंगे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, NC3, तो लाइनों के लिए फॉर्मूला क्या हुआ, NC2, या दूसरा हो जाएगा, अगर कुछ पॉइंट एक ही लाइन में है तो NC2, मान लीजिए जितने भी पॉइंट एक ही लाइन में हो, दो हो, तीन हो, चार हो, तो वो ऐसे ही हो सकता है NCR+1, ठीक है, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है NC2, या जैसे मान लीजिए कोई भी चीज़ हो सकती है, यहाँ पे NC2 का मतलब n पॉइंट में से 2 हो गए, अब कुछ पॉइंट हो सकते हैं, तीन पॉइंट चार पॉइंट, तो यहाँ पे n की जगह हम m भी कर सकते हैं, MCR+1 इसलिए क्योंकि वहाँ पे एक लाइन तो ड्रा होगी, हाँ, तो यहाँ पर देखिए क्या लगाएंगे हम, यहाँ पे 2 लगाएंगे, है ना, तो कैसे क्या फॉर्मूला बना, जैसे मान लीजिए 6 पॉइंट और 6 पॉइंट में से 3 पॉइंट एक ही लाइन में है, तो फॉर्मूला क्या बनेगा, 6C2, और 3 पॉइंट एक लाइन में 3C2, प्लस वन क्यों लगाया, क्योंकि एक लाइन तो इसमें बनेगी, तो इसके लिए हम फॉर्मूला क्या बना सकते हैं, ये बना सकते हैं NC2, और यहाँ पे कुछ M लाइनें हो सकती हैं, MC2+K1, ये फॉर्मूले के रूप में भी इसको याद कर सकते हो, ठीक है। अब दूसरा ही इसी में एक क्वेश्चन बनता है डायगोनल, चौथा वाला क्या बनता है, डायगोनल, कितने डायगोनल बना सकते हैं, तो डायगोनल से मतलब होता है जैसे ये ट्रायंगल है, तो इनसे कितने ट्रायंगल में तो कोई डायगोनल होगा नहीं, ठीक है। अब चतुर्भुज है, तो चतुर्भुज से कितने डायगोनल बन सकते हैं, तो जैसे हमें दिख रहा है कि इसमें केवल दो ही डायगोनल बन सकते हैं, इस तरह से अगर पंचभुज आ जाए, पंचभुज से कितने डायगोनल बनेंगे, तो पंचभुज से मतलब वो पेंटागोन आ जाए इस तरह से ऐसा करके, तो इससे जो है कितने डायगोनल बनेंगे, तो इन डायगोनल की संख्या निकालने के लिए अब देखिए क्या बनेगा, जैसे मान लीजिए चतुर्भुज ही ले लेते हैं पहले, तो चतुर्भुज में हम देख रहे हैं कि कितने दो डायगोनल बन रहे हैं, तो फॉर्मूला क्या बनाएंगे, क्योंकि लाइनें कैसे बनती हैं, कुल कितनी लाइनें इसमें, एक दो तीन चार लाइनें हैं, यानी कि 4 में से कोई से 2 चुनोगे तो लाइन आ जाएंगी इससे, ठीक है। लेकिन इसमें ये तो डायगोनल नहीं है, ये वाली लाइन साइड्स, यानी कि साइड्स को क्या कर दें, माइनस कर दें, तो डायगोनल की संख्या निकल के आ जाती है, तो इसके लिए हम फॉर्मूला बना सकते हैं, तो नंबर ऑफ डायगोनल इन एनी
चतुर्भुज पंचभुज या षष्ठभुज पेंटागोन हेक्सागोन इसमें अगर डायगोन निकाल लें तो फॉर्मूला क्या होगा एन सी टू माइनस के एन। ठीक है, एन क्या है साइड्स हैं और दो लाइनों को मिला के दो जितनी भी साइड हैं जितने भी पॉइंट हैं सॉरी साइड नहीं जितने भी पॉइंट हैं उनमें से दो को मिला देंगे तो वो लाइन बन जाएंगी और लाइन की संख्या अगर माइनस कर दें तो डायगोनल की संख्या निकल के आ जाएगी। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर देखें उसे सॉल्व करेंगे तो 4 × 3 और 2 × 1 माइनस के 4, 2 × 4 दो थी अच्छा है यानी कि 2 आगे देखिए वैसे भी हमें दिख रहा। इस तरह से मान लीजिए पेंटागोन है, अब इसमें कहें कि कितने डायगोनल बन सकते हैं तो 5 में से 2 माइनस कितनी 5, अब इसे सॉल्व कर लेंगे तो 5 × 4 और 2 × 1 और माइनस के 5, 2 × 4 2 × 5 = 10 यानी 5 डायगोनल हम इसमें से बना सकते हैं पेंटागोन से। ठीक है, तो इसी प्रकार से कोई सी भी आकृति है तो उसमें हम डायगोनल बना सकते हैं। इसी प्रकार से अगर हमें ट्रायंगल बनानी है तो कैसे बनाएंगे देखिए, अब देखिए नेक्स्ट इसमें प्रॉपर्टी होगी ट्रायंगल बनाना। जैसे मान लीजिए 5 पॉइंट हैं ऐसे करके अलग अलग हैं नॉन कोलिनियर हैं, इनसे कितने ट्रायंगल बन सकते हैं तो ट्रायंगल बनाने के लिए कोई से 3 पॉइंट को मिलाना पड़ेगा तब ट्रायंगल बनेंगे। देखो ऐसा करके कोई से भी 3 पॉइंट को आप मिला देंगे तो ट्रायंगल क्या है बन जाएंगे ऐसा करके, तो कुल कितने बनेंगे ये हमें बताना। तो इसी निकालने के लिए फॉर्मूला है कितने एन पॉइंट में से और किन्हीं 3 को मिला देंगे तो ट्रायंगल बन जाएगा। ठीक है, तो ट्रायंगल के लिए क्या फॉर्मूला बना एन सी 3। इस तरह अगर आपको चतुर्भुज बनाना है तो उसके लिए क्या फॉर्मूला बन जाएगा एन सी 4। ठीक है, तो अब इसमें लाइन बनाने के लिए फॉर्मूला क्या था एन सी 2 और डायगोनल के लिए एन सी 2 माइनस एन। ठीक, और कुछ लाइनें या कोलिनियर हो जाए तो उसके लिए फॉर्मूला क्या बनाया था हमने एन सी 2 माइनस के एम सी 2, एम वो कोलिनियर लाइन है और प्लस के 1 ये वाला। ठीक है, तो ये कुछ प्रॉपर्टी हैं और कुछ एक प्रॉपर्टी ये भी है जैसे मान लीजिए कोई पार्टी है, पार्टी में लोग आते हैं एक दूसरे से हैंडशेक करते हैं, तो अगर उस पार्टी में कुल 20 लोग हैं और सबने एक दूसरे से हैंडशेक किए तो कितने बार हैंडशेक हुआ, तो इसके लिए फॉर्मूला है एन सी 2। अब देखो ये कैसे ज़रा ध्यान समझना, इसको समझने के लिए जैसे मान लीजिए दो लोग हैं तो हैंडशेक कितना होगा, ठीक है 2C2, इसे सॉल्व करेंगे कितना, एक ही तो हैंडशेक होगा यानी कि मान लीजिए एक ए है दूसरा बी है, ए ने बी से हाथ मिलाया बी ने ए से, तो एक ही बार तो हैंडशेक हुआ, कितने बार हुआ एक बार, तो 2C2। अब मान लीजिए 3 लोग हैं तो कितने हैंडशेक होंगे, देखो ए मिला सकता बी से हैंड हाथ मिला सकता और बी किससे मिला सकता सी से और फिर ए किससे मिला सकता सी से, तो कितने हैंडशेक हुए 3 हैंडशेक हुए। अब इसको हम फॉर्मूले से करें कितने 3 लोग हैं और कितने लोग 3 में कोई 2 आपस में हैंड मिलाएंगे तब हैंडशेक होगा, इसे सॉल्व करेंगे देखिए 3 × 2 और नीचे वाले को 2 × 1 देखिए 3 हैंडशेक हो गए। तो चाहे आप फॉर्मूले से लगा लें निकाल लें चाहे डायरेक्ट निकाल लें, लेकिन जब बहुत ज़्यादा होते हैं तो हम फॉर्मूला अप्लाई नहीं किया है। तो n व्यक्ति हैं और उनमें हैंडशेक की संख्या निकालनी है तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा एन सी 2 इसका फॉर्मूला हो जाएगा। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन जो है इस टाइप का भी आता है, अब देखिए ज़रा ध्यान दें इसमें, फाइंड द सम ऑफ यूनिट प्लेस नंबर फ्रॉम द डिजिट ए, यानी कि इन डिजिट से जो जितने भी नंबर बनेंगे उनमें जो यूनिट प्लेस होगा उसकी संख्या निकालना, तो उनकी संख्या निकालने के लिए फॉर्मूला यूज करना सम ऑफ डिजिट इनटू एन माइनस वन फैक्टोरियल। तो देखिए इसके अनुसार सम ऑफ डिजिट का मतलब ये इनको जोड़ लीजिए 3 + 2 + 7 और उसकी जो मल्टीप्लाई किससे कर देना एन माइनस वन फैक्टोरियल, एन है वहाँ डिजिट की संख्या यानी यहाँ पर 3 डिजिट है तो 3 - 1 फैक्टोरियल। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये देखिए यहाँ पे इसको कर देंगे तो यहाँ पे हम देखिए इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे कितना 3, 2, 5 और 7 हो गया 12 और यहाँ पे 2 आएगा 12 × 24 यानी कि 24 आ गया सम। अब इसको हम देखो एक बार क्योंकि क्वेश्चन ये छोटा है तो इसको हम वैसे भी करके देख लेते हैं, एक बार चेक कर लेते हैं इस फॉर्मूले को। तो 3 डिजिट क्या होगी देखिए, एक तो ये बन सकती है 3 अंकीय 3, 2, 7, दूसरी क्या बन सकती 3, 7, 2 और तीसरी क्या बनेगी मान लीजिए 2 ले लिए 2, 3, 7, 2, 7, 3 और तीसरी क्या बन सकती 7, 3, 2 और 7, 2, 3। अब देखो यूनिट प्लेस का सम करके देख लीजिए 7 और 2 9 और 7 16 3 19
और 2 21 3 24 कितना आ गया सम, 34 आ गया। ठीक है, तो बिल्कुल देखिए राइट आंसर बैठ रहा है इससे भी और इससे। तो आप इस फॉर्मूले को लर्न कर सकते हैं, सम ऑफ डिजिट इनटू एन माइनस वन, इस तरह निकालना, फाइंड द सम ऑफ ऑल नंबर, और जैसे जितने भी नंबर इन सबका सम निकालना, तो इसके लिए फॉर्मूला क्या है, सम ऑफ डिजिट। तो सम ऑफ डिजिट अभी हमने करा था, कितना आया था सम ऑफ डिजिट था 12। यूनिट प्लेस नंबर अभी निकाला था, ये एन माइनस वन फैक्टर कितना आ गया 2। अब क्या करना है, इसकी मल्टीप्ले 1 1 1 एन टाइम्स, यानी जितने डिजिट हैं उनको उतने टाइम्स यहाँ पर 1 1 लिख देना। तो 3 नंबर है तो 3 बार लिख देना। तो अब हम 24 की इससे गुणा कर देंगे, 12 2 24, तो ये आंसर जाएगा 24 1 24 24 1 24 2 26 24 1 24 2 26, ये आंसर आ गया। तो देखिए इसको चेक भी कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये 2 यहाँ लगा देंगे, याला यहाँ से 2 हट गया, तो 2 2 4 7 11 3 14 7 21 3 24 2 26 26 का 6, हाँ से लगे 2 2 और 3 5 3 8 2 10 2 12 7 19 7 26। देखिए वैसे ही बिल्कुल टोटल ये आ रहा। तो आप इस टाइप के क्वेश्चन इस फॉर्मूले से कर सकते हैं। तो आप देखिए इससे जो अगली वीडियो होगी उसमें हम बाइनोमल, ग्रेटेस्ट फंक्शन और रिकरेंस रिलेशन, पीगन सोल प्रिंसिपल, स्ट्रॉन्ग फॉर्म और सिंपल फॉर्म, इस पर हम चर्चा करेंगे, और साथ में इसका जो प्रैक्टिस सेट है वो भी प्रोवाइड करेंगे। और इसकी जो मैं लगभग काफ़ी वीडियो इससे पहले मैं 12 चैप्टर इसके करा चुका हूँ, वो चैप्टर आपको देखने हैं तो वीडियो के अंत में लिंक उसका मिल जाएगा, या आप हमारे चैनल की जो प्लेलिस्ट है वहाँ से सर्च कर सकते हैं। अगली वीडियो तक के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहें, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।